अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर खदीजा। आज हम मैथ्स की कॉपी का काम करेंगे। चले पहले इसे खोल लेते हैं और देखते हैं हमने आज कौन सा पेज नंबर करना है। आज हम करेंगे पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60। ठीक है, पहले पेज नंबर 59 कर लेते हैं। काम शुरू करने से पहले क्या लिखते हैं, डेट। आज क्या डेट है, 9 सितंबर 2020। यहाँ पर लिखा हुआ राइट 0 to 29। अब देखें, पहले हम 0 से 19 तक लिखते थे, काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये देखें, हमने 19 तक लिखा था ना, फिर हमने उसके बाद 20 लिखा। अब काउंटिंग आगे और मज़ीद आगे जा रही है, ठीक है ना। मतलब अब हमें काउंटिंग कहाँ तक लिखनी है, 0 से लेकर 29 तक लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ यू, उसके नीचे 0, फिर लिखा हुआ टी यू, उसके नीचे लिखा हुआ 1 0 10, फिर लिखा हुआ टी यू, फिर उसके नीचे लिखा हुआ 2 0 20। अब ये 0 है, इस 0 के नीचे से हम लिखेंगे 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 तो पहले से ही उन्होंने लिखा है, वैसे काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन 0 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, काउंटिंग साथ साथ लिखते जाते हैं और साथ साथ पढ़ते जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, टी का क्या मतलब होता है, टेंस। यू का मतलब यूनिट। 1 0 10 लिखा हुआ है, 9 के बाद 1 0 10। अब हम आगे काउंटिंग लिखेंगे, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19। अब देखें, टी और यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 0 20। क्या लिखा हुआ है, 2 0 20। पहले हमने 2 0 20 तक किया है ना काउंटिंग, अब उसके आगे करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 1 21 2 2 22 2 2 23 24 24 2 5 25 2 6 27 27 2 8 28 2 9 29। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इस टी के नीचे 1 1 लिखे हुए थे और इसके बाद जो यू लिखा हुआ था उसके नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग लिखी हुई थी, और इस यू के नीचे भी 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी हुई थी। अब उन्होंने आगे फिर दोबारा से हमें टी यू दिया लिखा हुआ, तो हमने उस टी के नीचे लिखा 2 2, और इस यू के नीचे जो 0 था उसके नीचे काउंटिंग 1 से लेकर 9 तक लिखी। ठीक है, हमने पेज नंबर 59 कर लिया। इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 पे लिखा हुआ है राइट द मिसिंग नंबर। इसका क्या मतलब है कि मिसिंग नंबर लिखें, जो नंबर यहाँ पर नहीं मौजूद, मिसिंग है, वो आप खुद लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 2, और ये बैक। अब ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 2, और ये जो आगे बॉक्स है ये खाली है। ठीक है, इसके बाद लिखा है 4, फिर अगला बॉक्स खाली है, फिर 6 7। जो ये खाली है ना, ये मिसिंग है, ये आपने खुद लिखना है। अब हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ देखेंगे कौन सा नंबर मिसिंग है, वो नंबर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है 1 1, के बाद क्या आता है, 2 2, के बाद 3 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 4, के बाद 5 5, के बाद 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11
1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 4 14 के बाद 1 5 15 1 5 15 के बाद 1 6 16 लिखा हुआ है, 1 6 16 के बाद 1 7 17 उसके बाद 1 8 18 भी लिखा हुआ है, फिर 1 9 19 2 0 20 ठीक है। हमने देखें बिल्कुल लाइन से पढ़ा, जो बॉक्स खाली था जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था फिर हमने पढ़ पढ़ के खुद लिखा है, उसमें से उन्होंने मिसिंग किया है, मतलब वो नंबर ही गायब किया हुआ है, ठीक है। हमने वो नंबर खुद लिखना है। अब 2 0 20 के बाद 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 उसके बाद 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 पहले हमने कहाँ तक काउंटिंग की थी, 2 9 29 तक। अब इसके आगे एक और बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्या आएगा, 3 0 30 3 0 30 अब लिखते हैं 3 0 30 ठीक है। हमने आज किया है पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60। उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।